नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौतम। मेरा एक्सेलेंट मेडिसिन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में इन्फ्लुएंजा या कोरिजा वायरस के वजह से जो फ्लू एंड फीवर होता है और इसके वजह से जुकाम और बुखार होता है, साथ ही साथ पूरे शरीर में पूरे बदन में तेज दर्द होता है। शुरुआत में इसे कॉमन कोल्ड की तरह ही लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है यह कॉमन कोल्ड बिल्कुल नहीं होता है, यह इन्फ्लुएंजा होता है, यह कोरिजा होता है, जो कि राइनो वायरसेस के संक्रमण की वजह से होता है। जो इन्फ्लुएंजा एंड पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण की वजह से होता है, ये एक तरह के क्रोनिक इन्फेक्शस डिजीज होता है, जो कि कभी कभी महामारी की तरह फैलते हैं। इसलिए हर किसी को इस डिजीज से सावधान रहना चाहिए। कमजोर इम्यूनिटी पावर लोगों में ज्यादा संक्रमित होते हैं। कभी कभी सीजनल चेंजेस की वजह से, एलर्जिक कंडीशन की वजह से भी ये इन्फ्लुएंजा या कोरिजा हो सकता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट चेंजेस के वजह से भी ये डिजीज हो सकता है। इसके अलावा डस्ट, स्मोक, ऑडर एंड परफ्यूम्स के वजह से भी ये डिजीज हो सकता है। नाक बहने के साथ साथ नाक लाल भी हो जाता है। कंजेशन एंड सीजनिंग दोनों ही दिखाई देता है। नाक बंद भी होता है और छींके भी आते हैं, और साथ ही साथ आईज या आंख में तेज खुजली के साथ साथ पानी निकलता है। कभी कभी रेडनेस भी दिखाई देता है, और इसके अलावा फीवर या तेज बुखार के साथ साथ बॉडी पेन या बदन दर्द भी होता है। साथ ही साथ थ्रोट पेन या गले में दर्द, हेडेक या सिर दर्द भी रहता है। इसका जो सिम्टम है वो कंटिन्यू 5 से 7 दिन तक रहता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन इससे कंट्रोल पाने के लिए जो मेडिसिन सबसे पहले जरूरी होता है वो है स्टीम इनहेलेशन। दिन में 3 से 4 बार स्टीम लेना चाहिए, इससे बहुत फायदा मिलता है। इसके अलावा जिन लोगों को नाक बंद रहता है, नाक बहता है, उन लोगों के लिए सॉल्विन एस नेजल ड्रॉप का इस्तेमाल करना चाहिए। ये नाक में डालने वाला दवा होता है। ये 2-2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल किया जाता है। ये नेजल ड्रॉप 10 ml के पैक में मिलता है, जिसका MRP होता है सिर्फ 50 rupees ओनली। और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा नजला जुकाम होता है, आंख नाक और गले में दिक्कत पैदा होता है, तो इंटस फार्मा का मोंटास एल टैबलेट लिया जाना चाहिए, इससे फायदा मिलता है। रात में सोने से पहले और रोज 1 गोली ले सकते हैं। इस दवा की वजह से आपके जो फ्लू के सिम्टम होता है उससे रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है, दिक्कतें कम होता है। ये एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स या 10 गोली मिलता है, जिसका MRP होता है 170 rupees ओनली या 170 रुपया। इसके अलावा फीवर एंड बॉडी पेन या बुखार और बदन दर्द से बचने के लिए पैरासिटामॉल टैबलेट लेना चाहिए, जैसे माइक्रोलैब का डोलो 650 टैबलेट। ये आपके जरूरत के हिसाब से दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। हमेशा खाना खाने के बाद इसे लेना चाहिए। ये जो माइक्रोलैब का डोलो 650 टैबलेट होता है, ये एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट्स या 15 गोली मिलता है, जिसका MRP 35 rupees ओनली। इसके साथ साथ इन्फ्लुएंजा या कोरिजा डिजीज में सर्दी जुकाम बुखार के साथ साथ खांसी भी होता है, तो खांसी से राहत पाने के लिए एरिस्टो फार्मा का एम्ब्रोडिल LX सिरप लेना चाहिए। इस सिरप के अंदर मिला हुआ है एम्ब्रोक्सल, लिवोसल्बुटामॉल और गुआफेनसिन। ये सिरप आप 5 ml से लेकर 10 ml तक, 5 ml से लेकर 10 ml तक दिन में 2 बार ले सकते हैं, खाना खाने के बाद लेना चाहिए। ये एम्ब्रोडिल LX सिरप 100 ml या 100 ml के पैक में आता है, जिसका MRP या कीमत होता है सिर्फ 100 rupees या 100 रुपया ओनली। और सबसे आखिर में इन्फ्लुएंजा या कोरिजा से छुटकारा पाने के लिए, फ्लू एंड फीवर से छुटकारा पाने के लिए एक बेहतर एंटीबायोटिक जरूरत होता है, और वो है सान फार्मा का मॉक्स 500 mg कैप्सूल। दोस्तों, इसका जो कंपोजिशन है वो है एमोक्सिसिलिन 500 mg। ये कैप्सूल हमेशा खाना खाने के बाद दिन में 2 बार लेना चाहिए, सुबह में 1 गोली और रात में 1 गोली। ये जो मॉक्स 500 mg कैप्सूल है, ये एक स्ट्रिप में 15 कैप्सूल या 15 गोली मिलता है, जिसका MRP या कीमत होता है 125 rupees ओनली। दोस्तों, ये सब मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, पार्श्व प्रतिक्रिया होता है, इस्तेमाल करने से पहले इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। किसी भी मेडिसिन आप लेते हैं, आपके स्किन या त्वचा पर एलर्जी निकल सकता है, रैशेस निकल सकता है, खुजली हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है,
और साथ ही साथ नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक डिसकंफर्टेबल फील हो सकता है, लेकिन ये सारे जो साइड इफेक्ट, ये टेम्पररी होता है। मेडिसिन कंटिन्यू करने से ये अपने आप खत्म हो जाता है, इसके लिए आपके अलग से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं। लेकिन जो लोगों के लिए, जो पेशेंट के लिए ये साइड इफेक्ट कंटिन्यू होता है, ये अपने आप खत्म नहीं होता है, परेशानी का बोझा बनता है, तो उन लोगों के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल तुरंत बंद कर देना चाहिए और नजदीक का डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। और दोस्तों, ये सारे मेडिसिन आपके नजदीक के मेडिकल स्टोर या दवा के दुकान में आसानी से मिल जाता है। तो मेरा ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी एक्टिव कर दीजिएगा, आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद। हम किसी भी दावा की या दावा कंपनी की प्रचार नहीं करता, मैं सिर्फ दावा की जानकारी देता हूँ। नमस्कार।